बात फोन टैपिंग की, जिसके दावे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। टैपिंग मामले पर विपक्ष का बीजेपी पर हमला, बीजेपी सरकार पर लगाए जासूसी के आरोप। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए थे। फोन टैपिंग के दावे पर सियासी घमासान हो रहा है। टैपिंग मामले पर विपक्ष का बीजेपी पर हमला, बीजेपी सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए। रजत राकेश टंडन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की फोन टैपिंग को लेकर, और फोन टैपिंग इतना आसान मसला लगता नहीं है। अगर ये मसला वाकई सरकार के ऊपर भारी पड़ता तो सरकार की जग हसाई और किरकिरी होना तय है। देखिए, ये क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, इसमें डायरेक्ट ये नहीं है कि किसी होम मिनिस्ट्री ने, आईबी ने या एलआईयू ने फोन टैप किया हो विपक्षी नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, मोया मित्रा हो, शशि थरूर हो, अखिलेश यादव हो, पवन खेड़ा हो, बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में विपक्ष के। ये एक अलर्ट आया है जो कि एप्पल फोन कंपनी की तरफ से आया है। एप्पल एक बढ़िया कंपनी है फोन की अगर ये कहा जाए तो, लेकिन उसकी तरफ से अलर्ट आया है। अलर्ट में दिक्कत ये है कि उसने सब्जेक्ट जो मेंशन किया है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, यानी सरकार की तरफ से ये कराया जा रहा है, इसको लेकर बवाल है। और उससे लोग जोड़ रहे हैं पेगासस को, कि पहले भी पेगासस था, जासूसी कराई गई थी। तो विपक्ष कह रहा है कि साहब हमारी जासूसी हो रही, फोन की हो रही। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि हमने एक टीम बना दी है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। रजत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एप्पल ने इस तरह की मेल जो कि सरकार की तरफ से भी सामने आई है 150 देशों में भेजी है इस तरह के अलर्ट की। बिल्कुल, लेकिन लगभग 150 देशों गया। और कल खुद राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि हमने इसका पता लगाया और एप्पल कंपनी से बकायदा इसका जवाब मांगा गया। जब एप्पल अपना प्लांट बैंगलोर और नोएडा में लगा चुकी है और भारत सरकार की ओर से, आईटी मंत्री की ओर से बकायदा जवाब मांगा गया, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक और एंगल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकली चीजों को नजदीक से देख रहे हैं। महुआ मोइत्रा का इश्यू पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा हावी था और महुआ मोइत्रा का पासवर्ड आईडी जो कि संसद का था, उसको कहीं और से खोले जाने की बात हुई थी, उसको देखना और ये अलर्ट आना, इनमें कहीं से संबंध है क्या? मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई भी ऐसा संबंध है, लेकिन हाँ, मोहिया मित्रा कह रही है कि भाई मेरी जासूसी हो रही थी, वो कह रही है मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है और अब वो अडानी को बीच में ला रही है, तो ये सारी चीजें सामने हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोन टैपिंग मामले पर विस्तार से जानकारी सामने रखने के लिए आपका। देश की सियासत में मोबाइल हैकिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए कि उनके एप्पल मोबाइल हैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फोन हैकिंग के दावों को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निराधार बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो ये सिर्फ सर्विलांस की बात करते हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। मुझे लगता है ऑपोजिशन आजकल बहुत ही कमजोर स्थिति से गुजर रही है, जो उनको हर एक चीज में साजिश दिखती है। वास्तविकता यह है कि अब एप्पल तक ने बता दिया है कि कुछ प्रकार का मैलफंक्शन दिखता है, 150 देशों में लोगों के पास गया है। उसी मैसेज में यह भी लिखा है कि अगर आपके पास ये मैसेज आया तो आप appleid.apple.com में जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जेन्युइन है कि नहीं। मैंने एक व्यक्ति जिसको ये मैसेज पहुंचा है उनसे बात की,
वो गए appleid.apple.com में, उसमें कोई ऐसा मैसेज तो दिखा नहीं, तो लगता तो है कि ये कुछ या तो एप्पल की तरफ से गलती हुई हो अगर उनके यहां से आया, या किसी और ने, आजकल तो दुनिया भर के हैकर्स और दुनिया भर के गलत लोग इस चीज में प्रचार प्रसार करते हैं। इसकी पूरी जांच होगी, एप्पल को भी कहा गया है इसमें साथ में जुड़े। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के नेता आज के दिन इतने गलत फहमियों में जीते हैं, इतने गलत प्रचार प्रसार के झांसे में आते हैं कि उनको किसी ने शायद प्रैंक किया होगा। जी, जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी, जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफ गार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये जो अटैक हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन, तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के MPs हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है, और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? देखिए, ये एक ईमेल आया कल रात को एप्पल से ही, और वो उन्होंने वहाँ पे सूचना दी हमें कि आपके सरकारी एजेंसीज के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड आपके सर्वेलेंस हो रही है, आपका फ़ोन और आपके पूरे सिस्टम्स जितने भी आपके ये है वो सब जो है हैक किए जा रहे हैं ऑफिशियली, और ऑफिशियल यंत्रों को, मतलब इसको टैकल करना बड़ी ज़्यादा मुश्किल है ऑर्डनरी हैकर्स। अब ये नौबत क्यों आई मोदी सरकार को हमारे ऊपर भी जासूसी करें, और जासूसी ही नहीं, ये एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का यहाँ पर उसकी प्राइवेसी के लिए, ये हमारे देश के संविधान कहता है, हमारा देश के मौलिक अधिकारों पे ये एक बहुत बड़ा हमला। ये हम समझते हैं कि जनतंत्र पर, अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात छोड़िए, जनतंत्र पे ही ये एक बहुत बड़ा हमला है कि इस तरीके की सर्वेलेंस, इस तरीके की जासूसी जो सरकार खुद करवा रही है विपक्षी नेताओं के ऊपर, ये और पत्रकारों के ऊपर, विपक्षी नेताओं के ऊपर, ये हम समझते हैं कि हमारे जनतंत्र का सर्वनाश करने का रास्ता है। ये नहीं, इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार ने कहे कि ये अलर्ट गलत है। अखिलेश जी का भी नाम है, महुआ जी का है, प्रियंका जी का है, सीताराम येचुरी का है, शशि थरूर का है, राहुल जी की टीम में लोगों का है। मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा। पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? सीधी सी बात, सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने, उनकी ओर से सफाई आनी चाहिए ना। इसका एक मंत्रालय भी है, वो क्या कर रहा है? सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, FIR क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं,
कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है वहां, वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए, हिम्मत है तो चले जाए एफआईआर कर दें।